हरिओम हरिओम दीदी हरिओम। चलो प्रेयर करते हैं बेटा। हरिओम हरिओम। बस हो गए करें वो चार्जिंग लाइन कर देती किया तो है। ओ चलो प्रेयर करते हैं। हरिओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकार्यं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सत्यगुरु त्वं नमामि सत्यगुरु त्वं नमामि सत्यगुरु त्वं नमामि। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदा नंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम लाज माता भजन बोलो कोई। लाजमता हो आप इधर चलो ठीक। आज है हरिओम आंटी हरिओम बोल रहे हैं क्या कुछ एकता को? नहीं हरिओम बोल रही थी आंटी। चलो ठीक है। आज है अंक 18वां। अंक कल चला था कि शरीर हमेशा एक ही हालत में नहीं रहता है, उसकी कभी बचपन जवानी बुढ़ापा फिर मुर्दा होके मिट्टी में मिल जाता है। आज फिर भगवान ने बोला आगे कि जगत में आज 18वां अंक है ज्ञान प्रकाश का अंक 18वां। प्रश्न किसी ने उठाया है जगत में जब लोग संपन्न हैं
और धन पदार्थ व संतान की इच्छा भी नहीं है, यानी किसी न किसी प्रकार से वे खुश और तृप्त हैं, तो फिर आत्म ज्ञान की श्रेष्ठता क्यों है? किसी ने सवाल किया है कि सबसे ऊंचा आत्मा का ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, उसके ऊपर है प्रेम, फिर प्रेम में भी भाव रखो सब में परमात्मा का, हर रूप में है ही शक्ति, है ही पावर। जब ये भाव हमारा रहेगा तो इस भाव के अनुसार जो भी एक्शन क्रिया हमसे होती है वो क्या होगी? ज्ञान की, जिसको आत्म ज्ञान कहा गया है। आत्मा का ज्ञान माना आत्मा से आत्मा को जान कर फिर जो भी स्थिति है, देश, काल, पात्र, जो भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार एक्शन, वर्तन, जो भी बात है वो करना, तो इसको कहा गया है आत्म ज्ञान। तो आत्म ज्ञान माना आत्मा का ज्ञान, हर रूप में आत्मा से आत्मा को जान के। आत्मा से आत्मा माना उसके घट में कौन, किसकी शक्ति, ये भाव आगे रख के फिर जो भी समय अनुसार एक्शन है वो करें। क्योंकि ज्ञान अभी तक ये जो चार अवस्थाएं हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, अभी तक ये कर्म के भाव में आता है, फिर उसके ऊपर होता है प्रेम, तो फिर उसमें भाव प्रधानता आ जाती है। पहले कर्म प्रधानता है, फिर पीछे भाव प्रधानता है। तो जब भाव प्रधानता आएगी तो फिर भाव के पीछे खाली तो होके नहीं बैठेगा, तो भाव के पीछे फिर कर्म आते हैं। पहले होता है कर्म, फिर भाव जानो, फिर करते करते वो भाव ऐसा जागृत हो जाता है कि पहले वो भाव आता है, पीछे फिर कर्म। तो जब ये भाव आता है और भाव के पीछे कर्म होता है तो इसको बोलते हैं आत्म ज्ञान, कि हर रूप में है ही उसी का भाव। तो किसी प्रेमी ने सवाल किया है कि जगत में जब लोग संपन्न हैं और धन पदार्थ व संतान की इच्छा भी नहीं है, यानी किसी न किसी प्रकार से वे खुश और तृप्त हैं, तो फिर आत्म ज्ञान की श्रेष्ठता क्यों? तो सबसे ऊंचा है आत्म ज्ञान श्रेष्ठ। तो जब सब कुछ है तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत है, आत्मा के ज्ञान की वो भी। तो किसी का ऐसा सवाल है कि सब कुछ है, ऐसे भी बोलते हैं ना संसार में, दूसरी बातें करते हैं, कर्म, भक्ति, कुछ भी, तो अगर कुछ तो भाव रहता है ना, पहले मैं, फिर मेरा, मेरे वाले, फिर कर्म तो करते हैं ना, तो कुछ तो भाव होता है ना। पर जिसके पास सब कुछ है तो उसको भी आत्मा का ज्ञान उसको जरूरत होती है, और वो भी श्रेष्ठ करके उस भाव में रहता है। जैसे राजा जनक हमेशा आत्मिक भाव में रहते थे, सुजागी के भाव में रहते थे, तो वही है कि उनके पास किस बात की कमी थी, घर गृहस्थी था, राजपाट था, सब सुख सुविधाएं थी, उसके बाद भी वो आत्मा का ज्ञान। अभी आप सब अपने अपने भाव से बताओ कि क्यों जरूरत है आत्मा के ज्ञान की, बताओ, बात करो। किसी को कोई भाव उठ रहा है आगे का, तो हमने भी नहीं पढ़ा दीदी, मन की शांति के लिए। मन की शांति, अभी सब कुछ है तो अशांत कहाँ हो रहा है मन, पहले वो बताओ। सब कुछ होते हुए भी अशांति है, अशांति है, हाँ ठीक है, मन तृप्ति इधर ही है, तृप्ति इधर ही है, संसार में तृप्ति नहीं है, इधर है मन, किधर है, भाव में है, अपने भाव में। माता सब भाव कुछ है, अरे माता सब कुछ होके भी हमको जरूरत है कि हमको मुक्ति मिले, है कि नहीं? सब कुछ होते हुए भी हम सोचते हैं ना हमको ज्ञान की जरूरत है, इसलिए कि हमको हमारा हमको मुक्ति मिले ना माता। नहीं वो हमको तो मुक्ति मिले ठीक है, नहीं, मुक्ति को मुक्त स्वरूप आप शुरू से, हाँ बोलो निर्णय,
निर्मा दीदी आप क्या बोल रहे हो बोलो। सब कुछ होते हुए भी हमको जरूरत है आत्म ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की। सब कुछ सब कुछ संसार में है, सच्ची हाँ। समझ तो यहाँ से मिलती है ना। हाँ सच्ची समझ की जो भी है उसकी शक्ति है, पावर है, उसके इशारे से ही सब कठपुतलियां हाँ। निकलती है। जब ये पक्का होगी तो फिर टके पैसे के किसी के एक्शन में, किसी के भाव में, किसी के वर्तन में हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा ना। तो मान लो बुरा कर्म तो दूर, लेकिन बुरा कर्म का ख्याल भी मन में आता है तो वही कट हो जाता है ना ज्ञान से, क्योंकि जानने वाले बने है ना जी। जानने वाले बने हैं कि ऐसा पूरे बन गए हैं, ऐसे नहीं पूरे बन गए, अभी कर्म बनते हैं लेकिन बहुत बच चुके हैं ना दीदी, बहुत बचे हैं, बच चुके हैं। ठीक है, करते करते गुरु सुजाग करता है, बचे कोई भी हैं। ऐसा कर्म सामने आता है तो मेरे गुरु की वाणी याद आती है। हाँ तो वही इसीलिए रत्न ज्ञान, ऐसे आप पूछेंगे तो कुछ याद नहीं है। हाँ ऐसे आप कुछ पूछोगे तो कुछ याद नहीं है, और हाँ, समय समय अपने आप अपने निकल आता है। हाँ क्योंकि कर्म इसमें इस ज्ञान की श्रेष्ठता इसलिए है क्योंकि कर्मों से सुजागी अरूप में अपना आप दिखता है, तो लगता है ये लड़ाई झगड़े भी क्यों, ये सब बातें भी क्यों। जब माता मुक्ति बराबर नहीं है, मुक्ति बराबर नहीं है वो जो बोला। हाँ बराबर है ना, मन की मुक्ति तो है ना माता, मन की मुक्ति है ना, मन से तो मुक्त हो ना अभी। तो हमको जो दी जाती है, जो हमको समझ दी जाती है वो यही है कि आत्मा से आत्मा को जानो। अरूप में जब वो ही है तो कौन किसकी चिंता करे, न हम न तुम तो दफ्तर ही गुम, ये भाव जब इसमें आता है तो फिर रिलैक्स है ना, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और आत्मा ज्ञान क्या है, अभी कोई नहीं रहता है तो उसके भाव तो है ना, हम बोलते थे फलाना ऐसा है ऐसा करता था, उसकी अच्छी बुरी जो भी जो बात थी समय अनुसार उसी को तो याद करते हैं ना, किसको याद करते हैं, वो संस्कार वो भाव जो प्रकृति में आज भी हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला आत्म ज्ञान की श्रेष्ठता है, सब कुछ है उसके बाद भी समझ की, सच्ची समझ की सबको जरूरत है। इतना है पैसा, सच्ची समझ नहीं है तो देखो, इसलिए तो सतगुरु भगवान शाहूकारों को दूसरे बोलते थे इधर शाहूकारों, भगवान बोले इधर शाहूकारों का ज्ञान थोड़ी है, पर इनके पास इतना है माल खजाना, पर इनको समझ नहीं है कि इसको कहाँ यूज करें, कैसे करें, अपना मन कहाँ रखें, ये तो उसी माया के चक्कर में जाते हैं, पिसते जाते हैं। भगवान ने बोला ठीक है शाहूकारों के लिए, लोगों ने तो बोला ना, नहीं बोला क्या, इधर भी शाहूकारों का ज्ञान है इधर भी, भगवान को किसी के पैसे से क्या मतलब था बताओ। किसी भी गुरु को अगर वो सीखता है ना नहीं है, पर अगर दिखता है ना तो आप उसकी गहराई में जाओगे ना, तो वो पर्सनल उनका अपने लिए नहीं है, उनका जो भी भाव है सर्व के लिए। कृष्ण को क्या जरूरत थी मक्खन चोरी करने की, भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी चोरी करने की, उसके बाद भी ग्वाल वाल लेके जाता था, सबको खिलाता था। तो उसका अगर गहराई में जाओ तो कितना गहरा कारण है कि इनके पास इतना है जिनकी जो जरूरत है उनको, किसी को तो जरूरत का भी नहीं मिलता है तो चलो। पर वो ऐसी लीला करता था कि उसकी लीला के लिए लोग तरसते भी थे कि चलो मेरे घर आए और ऐसा करे, मैं उसका दर्शन करूं। तो ये सब आत्मा, तो कृष्ण भी आत्मा से आत्मा के भाव में जाते थे, दिखने में वो चोरी का कर्म होता था पर उनका जो इंटेंशन होता था कितना ऊंचा होता था। तो वही बात है कि जगत में जब लोग संपन्न है और धन पदार्थ व संतान की इच्छा तो भी नहीं है। बैठे हो तो आपके पीछे मंदिर है क्या माता, यहाँ घर के व्यू है, आज दूसरे कमरे में मिला है, उधर बेटी का आ जाओ वो था मीटिंग, मंदिर नहीं है, इधर घर के पीछे का व्यू है, कल आगे का था आज पीछे का है, मंदिर नहीं है सामने घर है। अच्छा घर, घर का भी पिछवाड़ा है उसका फ्रंट उधर है, इधर के घर ऐसे बनते हैं, ये पीछे गार्डन है उनके बच्चे खेलते हैं, घर का पिछवाड़ा है। जगत में जब लोग संपन्न है और धन पदार्थ व संतान की इच्छा भी नहीं, यानी किसी न किसी प्रकार से वे खुश और तृप्त हैं, तो फिर आत्म ज्ञान की श्रेष्ठता क्यों।
आत्मा के ज्ञान को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? जब सब कुछ उनके पास है तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत क्यों? तो उसका भगवान उत्तर दे रहे हैं, वास्तव में संपन्न या संतानवान केवल बाहर से ही धनी, तृप्त और खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहर की वस्तुओं पर आधारित है जो कि समय आने पर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सब पदार्थ जैसे वैभव, संतान, सुख, सुविधा समय पर मिलते हैं और समय पर आने पर नष्ट भी हो जाते हैं। अतः इनको प्राप्त करने में जो आनंद व खुशी मिलती है वह भी समय पर निर्भर है। इसीलिए जो चीज समय की डोरी से बंधी है उसे सुख दुख से मोक्ष देना या लोक परलोक का आनंद देने वाली कैसे माना जाए, क्योंकि पदार्थ तो क्षणभंगुर व नष्ट होने वाले हैं। जैसे कोई वस्तु अज्ञानी पुरुष को आनंद दे रही है पर वही जब नष्ट होती है तो उसे शोक होता है और वह निराश हो जाता है। निकृष्ट वस्तु के प्राप्त होने में जो खुशी मिलती है वो केवल इसके नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा आने से है, क्योंकि हर पल इन विषय पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है जिसमें उसकी नश्वरता भी सिद्ध होती है। देखा जाए तो जागृत अवस्था में जो पदार्थ जीव को और जिन पर वो हवाई महल बनाता है और खुशी से फूलता है तथा कुकर्म भी करता है, पर सपने में इनसे अलग होके इनको भूल कर छोड़ देता है, क्योंकि गहरी नींद में तो कुछ भी साथ नहीं रहता और न कोई बात देखने में आती है। ऐसे जैसे जीव उस वक्त मृत्यु का दूसरा रूप है, न किसी बात का हर्ष, न बंधन, न चिंता, बल्कि आनंद रहता है जैसे उसने अपना काम उतार दिया हो। जैसे मशहूर मौलानी रोमी ने फरमाया, शब जब जिंदा बेखबर, जब जिंदानिया शुभज, दौलत बेखबर सुल्तानिया, ले गम अनदेशिया, सोग व जिहान, नहीं ख्याल एन फिलान व आन फिलान। इसका मतलब है, नींद में कैदी को कैद की खबर नहीं रहती, राजा को अपने धन माल की खबर नहीं रहती, उस वक्त दोनों एक जैसे हैं, न उसको चिंता, न स्फुरण, न इंतजार। दुनिया के भोग पदार्थ हमेशा रहने वाले नहीं है, तो फिर कौन सी अवस्था उसको मोक्ष और आनंद देगी? ज्ञानी पुरुष अस्थिर और बेवफा माया से अपने को दूर रखकर उस सदा साथ देने वाली अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में मिला देते हैं। आत्मज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहता है। वो किसी भी प्रकार की वक्त की डोरी से बंधा नहीं है, क्योंकि आत्मा तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान व भविष्य काल से न्यारी है। सब अपना स्वरूप ही है। इसीलिए इस ज्ञान से जो आनंद व सुख होता है वह किसी बाहरी वस्तु का आधार नहीं रखता। इस आनंद में कोई परिवर्तन, कोई भी परिस्थिति नहीं आती, बल्कि
हर परिस्थिति में वो एक ही रहता है। जगत के भौतिक सुख और पदार्थों से आत्मज्ञान अधिक आनंद देने वाला है। इसका बाहर की वस्तु से गुम हो जाने का भय भी नहीं रहता। शरीर रहे या न रहे, दूसरा कोई मौका आए जाए, हर स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है और एक रस है। इसीलिए जो आनंद और आराम आत्मज्ञान द्वारा जीव को प्राप्त होता है वो सदैव स्थिर रहता है। इस आनंद के मिलने से बाकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। कोई भी वस्तु दिखती जरूर है पर उसकी तृष्णा नहीं रहती। आत्मज्ञान न होने से अज्ञानी की इच्छा व तृष्णा तृप्त होने के बजाय और चाहिए अर्थात बढ़ती है। जैसे जैसे दुनिया के पदार्थ अर्थात धन संतान और पद बढ़ते हैं वैसे वैसे तृष्णा भी अधिक बढ़ती है। जैसे आग में तेल डालने से आग ज्यादा भड़कती है, इन क्षणभंगुर पदार्थों से मोक्ष और आनंद की उम्मीद रखना केवल मूर्खता है। इसलिए महापुरुषों ने जगत के प्रपंच को इंद्रधनुष की तरह अस्थिर माना है और दिल की दृष्टि को उससे साफ करके आत्मज्ञान रूपी सूरत दिखाई है। इसलिए उचित है जिसको परमात्मा को पाने की बहुत प्यास हो वह इन पदार्थों के स्थिर रहने या न रहने को दिल की तराजू में पूरी तरह तोले, समझ के सोंधे, फिर इस मोह और बंधन से अपने दिल को वश में करे, जो अपने मन को इन नाशवंत वस्तुओं से निकाल कर आत्मज्ञान की तरफ लगाता है वह प्रेम, समझ, दर्द व साधना से सत्य को पहचान कर तृप्ति व आनंद को प्राप्त होता है। इसके बिना जीव को मुक्ति पद पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा सर्वत्र है, स्थिर है। उसको प्राप्त करने के लिए द्वैत का पर्दा हटाना पड़ता है। इसके लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि अन्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जैसे औलाद, धन इत्यादि सख्त प्रयत्न करना पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान सब पदार्थों व पदों से श्रेष्ठ है। आज जगत में जब सब लोग संपन्न और धन पदार्थ व संतान की इच्छा भी नहीं है, यानी किसी न किसी प्रकार से वे खुश और तृप्त हैं, सब कुछ संसार की बाहर भौतिक पदार्थ रहते हुए तृप्त हैं, तो फिर आत्म ज्ञान की श्रेष्ठता क्यों? फिर भी आत्मा के ज्ञान की जरूरत और सबसे श्रेष्ठ इस ज्ञान को क्यों कहा गया है, ये सवाल है। तो भगवान ने इसका जवाब दिया, वास्तव में संपन्न या संतानवान केवल बाहर से धनी, तृप्त और खुश दिखाई देता है। वास्तव में हम बोलते हैं ये संपन्न है, इसके पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब है, बच्चे हैं सब हैं, तो वो सिर्फ हमको बाहर से धनी, तृप्त और खुश दिखाई देता है, पर अंदर में चूंकि इसके पहले मोह के, इच्छा के, वासना के ये सब चैप्टर जो चले हैं, तो ये सब अंदर है ना, तृष्णा आयु घटती जाए, तृष्णा बढ़ती जाए, बाहर से तो भले सब एक जैसे दिखते हैं पर अंदर में ये सब बातें हैं। तो भगवान ने बोला वास्तव में संपन्न या संतान
वान केवल बाहर से धनी तृप्त और खुश दिखाई देता है क्योंकि उसकी खुशी बाहर की वस्तुओं पर आधारित है। उसकी खुशी बाहर की वस्तुएं, कार है, बंगला है, मोटर है, उसकी खुशी बाहर की वस्तुओं पर आधारित है जो कि समय आने पर नष्ट हो जाएगी। नष्ट होना, बदलना, सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान, अमीरी के पीछे गरीबी, सब लगे पड़े हैं। तो एक मन में अज्ञानी को भी मन में एक डर होता है कहीं छिन न जाए, कहीं कोई लूट के न ले जाए। अभी उसका डर है ले न जाए, पर अगर हकीकत की बात में आओ तो डर क्यों है? क्योंकि उसने समझा है, अज्ञानता में भी सब समझ के बैठे हैं कि ये सब बदलने वाला है, ये सदाई नहीं रहेगा, ये सदाई नहीं रहेगा, बदलने वाला है। इसीलिए सबको आत्मा के ज्ञान की, मन सच की जरूरत है। सब कुछ रहते हुए भी सच की जरूरत इसीलिए है जो कि समय आने पर नष्ट हो जाएगी क्योंकि सब पदार्थ जैसे वैभव, वैभव सुख, बंगला है, गाड़ी है, ये जो बाहर का वैभव है, वैभव, संतान, सुख दुख, संतान में बेटा बेटी, ये सब आते हैं, सुख सुविधा, मोटर है, बंगला है, दुनिया भर के सुख सुविधा है, समय पर मिलते हैं और समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। ये सब समय पर मिलते हैं और समय पर नष्ट होते हैं या बिछड़ जाते हैं। तो ये तो सबको पता है, समय आया, मिला, समय पूरा हुआ, एक छोटा सा निमित्त कारण होता है फिर, तो यही है मिलना और बिछड़ना, और क्या है। थोड़े अगर हम संसारी किसी को बोलें फलाना था तो मिला कैसे, खोया कैसे, एक छोटा सा कारण, तो भगवान वही बोल रहे हैं फिर इन बातों को समझो। सब पदार्थ जैसे वैभव, संतान, सुख सुविधा समय पर मिलते हैं और समय आने पर नष्ट भी हो जाते हैं, अतः इनको प्राप्त करने में जो आनंद व खुशी मिलती है वह भी समय पर निर्भर है। ये सब बंगला, कार, वैभव, संतान जो भी मिला, ये कब मिला? समय की बात। तो ये जो भी बातें हैं समय पर डिपेंड करती हैं। फिर भगवान ने बोला वो जानने वाला है कि समय तो सबका बदलता है, वो न राजा देखता है न रंग, पीर पैगंबरों का भी देखो, भगवान का देखो, समय का जब चक्र फिरा तो कहां राजगद्दी, कहां वनवास। तो ये समय की बात है ना, सिंधी में भजन है ना, एक जेड़ो न ॾींहुं ऐं राति हूंदी, जेड़ो जेड़ो समो तेड़ी बात हूंदी, एक जैसा न दिन और न रात रहेगी, जैसा जैसा समय वैसी वैसी बात। उसमें फिर सबका ही है कि कल तारा हुई राजरानी, कल तारामती राजा की रानी थी, आज वो बनी क्या है, आज वो धोबियाणी बनी है, उसका समय ऐसा पलटा कि वो धोबियाणी बनी है, कभी राजा की रानी थी कभी धोबी की रानी, कपड़े धो रही है। सीता माता का देखो समय था तो देखो राजमहल में पली, मुख से बोला नहीं कि फूलों की सेज बिछ जाती थी, आज वो ही माता देखो समय की बात है, कांटों पर भी चल रही है। तो ये समय है, तो समय सबका बदलता है और ये बदलते हुए समय को जो खुशी से ख्वाब करना, एक्सेप्ट सिखाना, जो ज्ञान है, समझ है, वो है आत्म ज्ञान में, वो है आत्म ज्ञान में। इसलिए ही इस ज्ञान की सबको जरूरत है और इस ज्ञान की श्रेष्ठता भी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कौन ऐसा चाहेगा कि दुख मिले, दूर दूर जगह पे बंगले, सब भूत बंगले बन जाते हैं, कोई वारिस नहीं होता है तो वहां के लोग क्या मर जाते हैं, कोई वारिस नहीं पैदा होता है, ऐसा कभी पिक्चर में दिखा दे, कभी हम पर्सनल भी देखे हैं क्या, कोई कोई दूर दूर जगह पे बंगले होते हैं, हवेलियां होती है,
कोई वारिस नहीं होता है उसका, तो छूटा हो जाती है ना, मतलब रहने को उन लोगों का खत्म हो जाता है, तो मर जाते हैं पूरा परिवार, तो उसका वारिस नहीं होता है कोई, तो ऐसा ही पड़े रहते हैं ऐसा, खास करके पिक्चरों में देखा है ना, पर्सनल देखा है, नहीं देखा याद नहीं है, खास करके पिक्चरों में इधर उधर देखा है ना, ये बंगला है, भूत बंगला है, पहले लोग रहते थे, अभी नहीं है, अभी नहीं है, फिर वही है ना कि समय अनुसार कोई वारिस नहीं रहा, या किसी की कोई वासना इच्छा रही तो उस रूप में वहां रहती है, किसी को अगर उसका पता पड़ा तो कौन बोलेगा भूत बंगले में रहो, नहीं भाई पहले से ही डरते हैं, इधर कोई भूत रहता है, फिर मन तो वहम और संशय का घर है, एक बार वहम पड़ा तो बोलेगा कौन ले ऐसा खतरा मोल, तो भूत वहां रहते हैं, ऐसा रहता है, तो ये सब है ना समय की बात है, वही समय उसी जगह का देखो तो कभी तो इतनी भीड़ इतना सब कुछ, कभी देखो तो वहां इतनी वीरानी होती है कि कोई जानना क्या, नाम लेना भी पसंद नहीं करता है, नाम से भी डरता है, ये सब ये भी समय है ना, जड़ वस्तुओं का भी समय है, चेतन का भी समय। कभी क्या है घूमने जाते हैं तो टूटा फूटा हवेलियां बंगले देखते हैं ना ऐसा, हाँ पहले इधर ये रहता था, वो राजा रहता था, ये होता था, हाँ हाँ सही बात है। अतः इनको प्राप्त करने में जो आनंद व खुशी मिलती है वह भी समय पर निर्भर है, इसीलिए जो चीज समय की डोरी से बंधी है उसे सुख दुख से मोक्ष देना या लोक परलोक का आनंद देने वाली कैसे माना जाए, जो चीज समय से बंधी हुई है और समय है सबका बदलने वाला, तो ये सुख दुख समय की डोर से बंधे हुए हैं, कभी कोई पलड़ा कोई भाव सामने आएगा, कभी कोई भाव सामने आएगा, तो वही भगवान ने बोला है जो चीज समय की डोरी से बंधे हैं उसे सुख दुख से मोक्ष देना या लोक परलोक का आनंद देने वाली कैसे माना जाए, सुख होता तो हमेशा होता, जे दुख होता तो हमेशा होता, पर ये सब मिथ्या चेंजेबल हैं, तो उसको आनंद देने वाली कैसे माना जाए, तो उसमें अगर किसी को आनंद है तो वो है ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है इन सब बात, उसमें यही सिखाते हैं कि जिसका नाश होता है उसकी तू चिंता क्यों करता है, और जो सदा ही है तो उसमें रह, नाश न हो अर्जुन जिसका, उसको तू पकड़ ना, भगवान ने भी कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला ना कि अर्जुन जिसका नाश नहीं होता है तो उस आनंद को पकड़ना, और इसको पकड़ता है ये सब तो चेंजेबल है, आज है कल नहीं है, आज तू है कल दूसरा परसों तीसरा, इसलिए जो चीज समय की डोरी से बंधे है उसे सुख दुख से मोक्ष देना या लोक परलोक का आनंद देने वाली कैसे माना जाए, क्योंकि पदार्थ तो क्षणभंगुर व नष्ट होने वाले हैं, जो भी वस्तु पदार्थ इन आंखों से आप चारों तरफ घुमा के देखो जो भी है क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं, जैसे कोई वस्तु अज्ञानी पुरुष को आनंद दे रही है पर वही जब नष्ट हो जाती है तो उसे शोक होता है, कोई भी वस्तु पदार्थ अज्ञानी को आनंद देता है फिर उसका तो चेंज पक्की बात है, तो जहां उसमें चेंज हुआ उसका नष्ट होना रूप चेंज बदलना वहां फिर वो अज्ञानी को शोक होता है, पर ज्ञानी की सच्ची समझ खुल गई है कि ये तो चेंज पक्की बात है, कोई अगर चाहे न चाहे चेंज तो हर दिन है, तो ये फिर शोक किसका, अज्ञानी बैठ के शोक करेगा और ज्ञानी समझता है ये तो पक्की बात है, रखे रखे देखो कोई वस्तु को यूज भी नहीं करो, वस्तु जड़ भी कहीं ना कहीं वो कमजोर होती है, कपड़ा देखो आप कितने सालों की साड़ियां पड़ी है, खोलोगे तो खोले नहीं तो चर चर फट गई, कैसे फट गई, माई बोलेगी मैंने तो पहना ही नहीं था, लेके रख दिया था एक बार बस पहना था, पर उसकी भी तो उम्र है ना, उसकी भी उम्र है, वो भी चेंजेबल है, कब तक वैसा रहेगा,
तो वस्तु पदार्थ है, जीव है, जो भी है। तो जब ऐसी स्थिति चेंज वाली आती है तो अज्ञानी को शोक होता है, और ज्ञानी बोलता है ठीक है ऐसा तो होना ही था ना, इसमें शोक क्या बात है, ऐसा तो होना था ना। वरना टके का हम अपने लिए सोचते थे ना, कभी 6 का सेट आता था, एक कप भी टूट जाता था ना तो भी लगता था पहले 6 का सेट, ऐसे मन में ना ऐसे समझते थे कमी आ गई, अरे कप ही तो टूटा है, कप ही तो टूटा है ना। पर जब शुरू की बात है तो एक कमी के समान होता था, 6 का सेट था। अभी सेट भी पड़ा है कबट में, अलमारी में, वो भी निकलता है समय पर अंदर में ऐसा भाव कि मेरे पास 6 का सेट है, मेरे पास 12 का सेट है। तो अभी भगवान ने सब खोल खोल के बताया ना। अभी ऐसा मान ना 5 का सेट है तो क्या हुआ, 4 का सेट है तो क्या हुआ, मार्केट में नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। तो अभी तू भी मान के बैठे ना, 5 का सेट है, 4 का है, ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ। एक एक करके भी कई प्रकृतियों में देखा है कि उसके लिए ऐसा कप, उसके लिए ऐसा कप। तो ऐसा करते करते उस भाव को जब मोड़ा तो देखो आज अगर एक एक चीज भी है तो लगता है वाह, इतने सारे डिजाइन, इतने सारा ऐसा। बात तो अपने मन की है ना, माई 6 के लिए सुखी होती है, दुखी होती है, 5 के लिए सुखी है, दुखी है। पर एक एक भी अगर अलग डिजाइन का है तो भाव तो अपना देना है ना कि चलो ये अपनी बात है। तो ये सब इस ज्ञान से ही समझ मिलती है, वरना तो टके की चीज के लिए भी शोक होता था। पर अभी जब जाना है कि ये सब चेंजेबल है, बदलने वाला है, सदा ही नहीं रहेगा, तो किसका शोक करें। बाहर से कभी पार्ट प्ले होता है, पर अंदर में जो भाव है ना वो आज गुरु की मेहर है। जैसे कोई वस्तु अज्ञानी पुरुष को आनंद दे रही है, वही जब नष्ट हो जाती है तो उसे शोक होता है और वह निराश हो जाता है। निकृष्ट वस्तु के प्राप्त होने में जो खुशी मिलती है वो केवल इसके नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा आने से है। निकृष्ट जिसका कोई कृष्ट माना आकर्षण, उसकी कोई श्रेष्ठता कुछ है ही नहीं, सब बदलने वाले हैं। तो भगवान ने बोला निकृष्ट वस्तु के प्राप्त होने में जो खुशी मिलती है अज्ञानी को, बाल मुक्ता में जिनकी बात है उनको जो खुशी मिलती है वो केवल नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा आने से है। सिर्फ नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा देख के माई खुश हो जाएगी। बाल मुक्ता में कितना है, कोई किसी पद के पीछे, किसी से मिली तो पद के लिए, अरे पद उसका है, उसका पद भी समय है, जब समय हुआ तो कहां गए वो सब। इतना राजनेता है, फलाना है, टीरा है, राजा है, ऐसा है, वो भी उसका समय है ना, जब समय हुआ तो वहीं पर तालियां हैं, वहीं पर गालियां हैं, देखो। तो भगवान ने बोला ये अज्ञान के कारण नेत्रों पर जो पर्दा आ जाता है ना तो हम खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह। फिर उसका साथ मिले तो और खुश। तो अभी साथ क्यों नहीं मिले, मिले ना, सतगुरु का साथ मिले। गुरुओं का साथ रखो, साकार हो, निराकार हो, वचनों का हो, जो हमको हमेशा राजा ही पद पर बिठा के रखे उसका साथ रखो ना हमेशा। केवल इसके नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा आने से है, क्योंकि हर पल इन विषय पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। हर पल ये जो भी विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय जो भी है, इसमें चेंज, परिवर्तन होता रहता है, जिसमें उसकी नश्वरता भी सिद्ध होती है। परिवर्तन में क्या सिद्ध होती है, उसका नाश होना। एक बार नाश होना फिर दूसरा रूप, रिसाइकलिंग होता है ना, सब चीज को ले जाके डंप करके रिसाइकलिंग करते हैं, फिर नया रूप पैदा होता है। तो भगवान ने बोला उसकी नश्वरता भी सिद्ध होती है। देखा जाए तो जागृत अवस्था में जो पदार्थ जीव को है, जिन पर वो हवाई महल बनाता है और खुशी से फूलता है तथा कुकर्म भी करता है। देखा जाए कि जागृत अवस्था में जो भी पदार्थ जीव को, ये जो बाहर के भौतिक पदार्थ है, धन है, माल है, बंगला है, समथिंग, जो भी भौतिक पदार्थों के सुख है,
तो जागृत अवस्था में पदार्थ जीव को जिन पर अपने हवाई महल बनाता है, मेरा है फिर मेरा अपने बेटे को दूंगा, फिर ऐसा करूंगा, इसको ऐसा भोगूंगा, कितने हवाई महल होते हैं तन के, मन के, धन के, हाँ तो हवा हवा में बात करते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पर अपना कितना मान के बैठे हैं। मैं एक टके का कोई वस्तु पदार्थ भी लेके आएगी ना तो बोलेगी अभी तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, फिर अपनी बेटी को देके जाऊंगी, बेटे को देके जाऊंगी, कितने हवाई महल, पता नहीं वो कब टूट जाए, पता नहीं वो कब चोरी हो जाए, इधर से खिसक के उधर जाए, क्या करेगी। ये हवाई महल हम लोग कहीं पे गए थे घूमने तो एक जगह दिखाया गाइड ने कि देखो इधर की जो औरतें हैं वो 100 किलो सोना पहन के बाहर जाती थी तो उनको माता 100 किलो का वो वजन उठावे कैसा, तो उनको टाली में बिठा के वो लोग नौकर लोग लेके जाता था। तो आज मतलब हम देखने गए वो खाली था, तो मतलब आज वो भी चली गई ना, इतना वो भी इतना बोला पहन के वो भी खत्म हो गया ना माता, आज वो था। हाँ वही तो बात है ना कि सब बदलने वाला है, सब चेंज है, सबका रूप बदलने वाला है, चेंज है। उस चेंज में जो अनचेंज शक्ति, हाँ उस चेंज में जो बदलने में जो अबदलने वाला सदा ही साथ रहे उसका हाँ। भाव वो ये व्रत ज्ञान कराता है। खुशी से आप सौ किलो वजन कोई उठा ही नहीं सकेगा ना, तो वो लोग को ट्राली में बिठा के लेके जाता था औरतें को। हाँ, सुशीला माता कैमरा बंद करो। हाँ माता, हाँ कैमरा बंद करके बैठा करो। खुशी से फूलता है तथा कुकर्म भी करता है, पर सपने में इनसे अलग होके इनको भूलकर छोड़ देता है। जागृत में वो अपना मान के खुशी से फूलता है और उसके पीछे फिर कर्म भी करता है, कुकर्म। खप्पे खप्पे में तृष्णा बढ़ती जाए तो उसके पीछे कितने कर्म है, तो कुकर्म भी करता है पर सपने में इनसे अलग होके इनको भूल कर छोड़ देता है। पर जहां सपना आया तो सपना कब आया, उसको जब भूला, पहली बात सपना कौन सा, नींद का। तो नींद कब आई, जब छोड़ा, जब छोड़ा तो नींद आई, फिर नींद आई तो सपना देखा, तो सपना भी किसका देखा, देखा तो उन माया ही का जो भी था दिन में अंदर, सपना देखा। तो ये जो सपने की बात है ये नींद के सपने की बात है, और एक है अज्ञान का सपना। तो दोनों बात को समझो कि ये जो भी दिख रहा है ही सपना, पर जब दिख रहा है तो फिर फलाना है, टीरा है, मटीरा है, ऐसा करती है, ऐसा फिर जाएगी कर्म में, पर तू देख है ही पार्ट प्ले, है ही सपना, है ही नाटक। तो जब ये भाव होएगा तो फिर कर्म नहीं बनेगा ना। तो सपने में इनसे अलग होके इनको भूल कर छोड़ देता है, क्योंकि गहरी नींद में तो कुछ भी साथ नहीं रहता और न कोई बात देखने में आती है। फिर उसके बाद आती है गहरी नींद, बीचकार पर सबकी गहरी नींद, उसमें बताओ किसको क्या दराज। चोर भी कब आते हैं, बोलते हैं ना चोरी करने आया इतनी गहरी नींद, तो चोर भी तो इंतजार करता है ना, इसको गहरी नींद आए तो मैं इसका चुरा के ले जाऊं। उसका जो है वो बाहरी पदार्थ पर उसका अटैक करता है, वो बाहरी पदार्थ पर कि इसका धन माल चोरी करके ले जाऊं, वो भी तो इंतजार करता है ना कि इसको गहरी नींद आए। तो ये गहरी नींद आना माना चोर कौन से, ये विकार फिर नहीं रहते हैं, चोरी हो जाते हैं सब। तो भगवान ने बोला इनको भूल कर छोड़ देता है, क्योंकि गहरी नींद में तो कुछ भी साथ नहीं रहता और न कोई बात देखने में आती है। ऐसे जैसे जीव उस वक्त मृत्यु का दूसरा रूप है, गहरी नींद माना मृत्यु का दूसरा, उसको कुछ भी जान की खबर नहीं है, तो ये मृत्यु का दूसरा रूप। जिनको भी अगर गहरी नींद आती है, जब भी आती है,
तो उसको आप चेक करो। कभी कभी बोलते ना इतनी गहरी नींद आई मेरे को लग रहा था मैं पता नहीं थी कि नहीं थी कहाँ थी, तो ये भी सबको अनुभव है। तो ये गहरी नींद ऐसा जैसे मृत्यु का दूसरा रूप, न किसी बात का हर्ष न बंधन न चिंता बल्कि आनंद रहता है उस गहरी नींद में। किसी बात की न खुशी है न चिंता है, कोई बात नहीं है, बस वो आनंद एक रिलैक्स। इसका अनुभव गहरी नींद का सबको किसी न किसी रूप में हुआ होगा होता है। तो भगवान ने बोला ये है मौत। उसके बाद सुबह उठे माना फिर नया जन्म, फिर वही सब कर्म जुड़ जाते हैं। ऐसे जैसे जीव उस वक्त मृत्यु का दूसरा रूप है, न किसी बात का हर्ष न बंधन न चिंता बल्कि आनंद रहता है। जैसे उसने अपना काम उतार दिया हो आनंद रहता है, जैसे वो अपना सब काम उतार के बैठा है। कोई अपना सब काम डेली लाइफ का भी ऐसे लगता है अभी तो काम उतर गया, बाकी संसार के काम तो किसी के न कम हुए हैं न होंगे। जब तक संसार है तो कुछ न कुछ ये सब चलते ही रहता है। पर अगर थोड़े टाइम के लिए भी हम बोलते हैं तो कितना रिलैक्स लगता है, अभी का तो काम हो गया, अभी नाश्ते का तो हो गया, नाश्ते का तो हो गया तो भी लिखो लगता है आराम है कि चलो एक आध घंटा तो आराम है, फिर देखेंगे दोपहर का, फिर देखेंगे शाम का, रात का, जो भी है। हाँ सबकी अपनी दिनचर्या है, अपना टाइम है, सब कुछ है, तो उसमें भी इतना आनंद लगता है। तो ये जो भगवान गहरी नींद की बात कर रहे हैं इसमें कितना आनंद होगा, कितना रिलैक्स होएगा। तो भगवान ने बोला जैसे जीव उस वक्त मृत्यु का दूसरा रूप है, न किसी बात का हर्ष न बंधन न चिंता बल्कि आनंद रहता है। जैसे उसने अपना काम उतार दिया है, फिर ये है दोहा। तो दोहे का मतलब है नींद में कैदी को कैद की खबर नहीं रहती। कैदी है भले जेल में है पर अगर उसको नींद में है तो उसको पता थोड़ी है कि मैं कैद में हूं कि महल में हूं। गहरी नींद, तो भगवान ने वही बोला कि नींद में कैदी को कैद की खबर नहीं रहती, राजा को अपने धन माल की खबर नहीं रहती। उस वक्त दोनों एक जैसे हैं, कैदी भी और राजा भी, क्योंकि गहरी नींद है उनको, तो दोनों को खबर नहीं है। तो अभी ज्ञान किस पर आधारित है, बेखबर। तभी भगवान बोलते हैं ना बेखबर रहे, तो बेखबरी में बहुत आनंद है। पता नहीं था, जहां पता पड़ा तो देखो कैसे मन हलचल में आता है। जब तक पता नहीं है तब तक शांत है, और जहां पता हुआ वहां देखो कैसी हलचल आती है। तभी भगवान बोलते हैं पता रहते हुए भी शांत रहो और नहीं पता है तो भी शांत रहो, दोनों स्थिति में शांत रहना ही बेटर है। समय आएगा सर बात स्थिति सामने आएगी, उसमें क्या बात है, पर हम जोरी से भी खबरें खोजते हैं। फलाने का बहुत दिन से लेटर नहीं आया, मैसेज नहीं आया, देखूं तो सही है कहाँ, अब देख मई कहाँ पर है, फिर क्या मिलता है, कोई ना कोई किटपिट। वो फिर अपनी सामने वाली बताएगी अपनी समस्या, अपनी कोई बात, फिर उसकी बात मेरी बात हो जाती है, फिर हो गई समस्या। तो भगवान बोला उसको जानो ना, बेखबर रहना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, पर हम बेखबरी में भी खबरों को खोजते हैं, खबरों को खोजते हैं। ठीक है, खबर को खोज करो तो फिर सुजागी भी रखो कि दुखी सुखी नहीं होंगे। बस सिर्फ सुजागी के लिए मेरे को खबर हो, इतना ही भाव, पर उन बातों को फिर अंदर ले जाते हैं, फिर दुखी फिर सुखी फिर नए कर्म। तो भगवान ने बोला इसकी फिर सुजागी रखो। नींद में कैदी को कैद की खबर नहीं रहती, राजा को अपने धन माल की खबर नहीं रहती। उस वक्त दोनों एक जैसे हैं, न उसको चिंता न उसको स्फुरण न इंतजार। न चिंता है न कोई और स्फुरणा है दुख की सुख की मान की अपमान की,
न कोई इंतजारी है, दुख तो सब इसी में है ना, और इन सब ये सब क्या है, बदलने वाले। तो न स्फूर्ण न इंतजार, दुनिया के भोग पदार्थ हमेशा रहने वाले नहीं है, तो फिर कौन सी अवस्था उसको मोक्ष और आनंद देगी? दुनिया के जितने भी भोग पदार्थ हैं वो आनंद नहीं देंगे। तो भगवान ने बोला ऐसी फिर कौन सी स्थिति है, कौन सी ऐसी मन की अवस्था है जो मोक्ष और आनंद देगी? तो वो मोक्ष की अवस्था जो आज का चैप्टर है ना, कि इस ब्रह्म ज्ञान से ही संतुष्टि और इसको ही श्रेष्ठता क्यों, तो वो इस ज्ञान की महिमा है। मोक्ष और आनंद देगी, ज्ञानी पुरुष अस्थिर और बेवफा माया से अपने को दूर रखकर, ज्ञानी माना जिसकी समझ खुली है, वो अस्थिर, वो जानने वाला है कि सदा ही कुछ साथ रहता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है। बोलते हैं ना, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा भेष, सदा न जग जीवना, सदा न काला केश। तो ये सखी बहन, अरे सखियों की बात छोड़ो, सगी बहने भी देखो समय पर, वो भी जब जिनका भाव मिलता है तो मिलती है, वरना तो कोई सदाई के लिए क्या है बताओ। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा भेष, राजा भी हमेशा एक ही भाव में नहीं रहता है, तन है मन है धन है सब बदलने वाले हैं। ये केश को कितना भी बोलो, सवारो तेल लगाओ ये करो, तो भी ये समय पर देखो सदा ही काले रहेंगे क्या? ये भी देखो समय अनुसार परिवर्तन सब में है ना। तो भगवान ने बोला वो, पर ये परिवर्तन होते हुए भी जो आनंद में रहे मोक्ष में रहे वो है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञानी पुरुष अस्थिर और बेवफा माया से अपने को दूर रखकर उस सदा दे साथ देने वाली अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में मिला देता है। ज्ञानी माना जिसकी समझ खुल गई है, वो बाहर मुक्ता की बातों में नहीं जाता। आत्म ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहता है। जिसने एक बार आत्मा के ज्ञान का आनंद लिया, आनंद लिया माना एक बार जिसकी सच्ची समझ खुल गई कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, सब बदलने वाले हैं, सब जोड़े जोड़े हैं, एक के पीछे दूसरा पहले ही है, तो इन सब बातों में वो अटकेगा नहीं। तो जिसने पहले से ही अपनी समझ खोल के रखी है, वो उस निश्चय में है, ये उसकी बात भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष अस्थिर और बेवफा माया से अपने को दूर रखकर उस सदा साथ देने वाली अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में मिला देते हैं। अपनी आत्मा को माना देह को अलग करके आत्मा का भाव पकड़ते हैं, फिर आत्मा क्या है, आनंद स्वरूप, तो वो हमेशा आनंद में ही रहता है। राजा जनक का है ना, आए दौड़ते दौड़ते राजा, राजा आग लगी तो राजा अपने भाव में, उस कहानी में ऐसा है कि गुरु के साथ बैठे थे, तो गुरु माना ठीक है मैं भी, हमने तो दृश्य देखा नहीं, पर गुरु माना साकार, गुरु माना निराकार, गुरु माना साकार में भले गुरु के साथ बैठे होंगे, निराकार में गुरु के वचनों के साथ बैठे होंगे। तो सब आए, राजा राजा आग लगी, तो राजा तो निश्चय में था जिसकी बात है, आग माना कौन सी है, आग एक तो ये बार मुक्ता में भाई आग लगी जल गया ठीक है, और एक है आग माना बार मुक्ता में कोई भी लीला हो रही है, जिसका कर्म उसका भोग, तो मेरा क्या। तो ऐसे निश्चय में थे, अंदर से हिले नहीं, बाकी बाहर से फिर जो भी पार्ट प्ले होगा उन्होंने किया कि ठीक है जाओ बुझाओ उसको, बोलो ऐसा करो, जो भी है पार्ट प्ले। तो ये टोटल ज्ञान है अंदर की बात, बाहर की बात नहीं, अंदर की बात।
तो जिन्होंने इसको पक्का किया है कि ये सब चेंजेबल है, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, हाँ हो के भी क्या होएगा, आखिर क्या चेंज तो सबका ही है, तो ये जब पक्का करते जाएंगे ना तो फिर वो स्थिरता आती जाएगी, फिर वो बाहर में वो बैठा दिखाई देगा पर वो अंदर में शांत है, रिलैक्स है। टोटल ब्रह्म ज्ञान भी यही है, रिलैक्स वाला, अंदर से रिलैक्स। अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में मिला देते हैं आत्म ज्ञान से, जो आनंद प्राप्त होता है वो जागृत स्वप्न सुषोपति में भी रहता है। फिर आत्मा का एक बार जिसने निश्चय किया तो वो जहां भी बैठा है, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषोपति, ये जो भी है, ये भी शरीर में नींद की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषोपति। सुषोपति पेड़ पौधों की, वो हिलेगा एक बार उसने निश्चय किया, पर बाहर से वो दिखाएगा थोड़ा दुख, थोड़ा ड्रामा पार्ट प्ले करेगा, हाँ बराबर ऐसा मेरे को दुख हुआ, अंदर में रिलैक्स है उसको कि ऐसी बात तो होती है, संसार है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, तो वो अंदर में रिलैक्स में है, बाहर से भले वो सुषोपति अवस्था में आ जाता है, पेड़ पौधों की अवस्था सुषोपति की है, शांत है, फिर थोड़ा हिलते हैं, हवा का झोंका आया, अब ये भी हिल रहा है, पर अंदर इसके निश्चय है, ये ज्ञानी की बात है। तो जागृत स्वप्न सुषोपति में भी रहता है, वो किसी प्रकार की वक्त की डोरी से बंधा नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वक्त की डोरी, ये वक्त की डोरी में अभी भगवान ने बताया ना, ये सब गुथे हुए हैं, मान अपमान दुख सुख ये सब समय की डोर में बंधे हुए हैं, पर वो किसी के साथ बंधता नहीं है, माना अटैचमेंट नहीं करता है, क्योंकि आत्मा तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल से न्यारी है, वो किसी भी प्रकार वक्त की डोरी से नहीं बंधता, क्योंकि जो ये आत्मा है ये सदा ही है, इसका न भूत है न वर्तमान है न भविष्य है, पर वो है ही है, वो है ही है, तो वो सदा ही उस है में रहता है, बस सब अपना स्वरूप ही है, जो भी है अपना आप अपना स्वरूप ही है, इसीलिए इस ज्ञान से जो आनंद व सुख होता है वह बाहर किसी वस्तु का आधार नहीं रखता, इसीलिए इस ज्ञान से जो आनंद है सुख है वो बाहर किसी वस्तु और आधार का नहीं है कि मेरे को ऐसा मिले तो ऐसा ऐसा मिले, जिसको आत्मा का भाव आ गया उसके लिए भले वो बैठा गर्मी में भी है ना, पंखा नहीं चल रहा है ना, तो भी उसको अंदर की ठंडक है, और उसको जरूरत है तो बोलेगा ठीक है, शरीर की बात है, तो वो हमेशा अंदर की ठंडक में, अंदर के भाव में रहता है, इस आनंद में कोई भी परिवर्तन वो बाहर की वस्तु से, बाहर की वस्तु का मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं ना, किसके बिना नहीं होएगा ऐसा जरूरी है, हाँ उसके लिए मोहताज ही नहीं है उसको बाहर की वस्तु से, हाँ तो ये भी क्या है, एक अभ्यास है ना, ये एक अभ्यास है, गुरु के साथ रहने रहो, अभ्यास करो, देह को अलग आत्मा को अलग, वे पहले अभ्यास है, करते करते वो हो जाएगा। इस आनंद में कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिस्थिति नहीं आती, बल्कि हर परिस्थिति में वो एक ही रहता है, इस आनंद में कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिस्थिति, अभिवर्तन और परिवर्तन एक है वर्तन एक है परिवर्तन, परिवर्तन में ही वर्तन छुपा हुआ है ना, तो परिवर्तन माना चेंज, चेंज में अगर वो वर्तन भाव में आएगा तो यही शक्ति यही पावर, चेंज में वो अनचेंज को देखता है, वो जो सदा ही है ही है, या परिस्थिति है, बोलते हैं परिस्थिति आ गई तो स्थिति, पर स्थिति, स्थिति में ही पर आगे लगाने से माना पर माना दूसरा, तो जब दूसरे का भाव आया तो परिस्थिति है, पर स्थिति में रहो, फिर जो भी है पर है, बाहर की बात है, तो सिर्फ बाहर मुक्ता में पार्ट प्ले हो रहा है, हो गई बात, तो
परिस्थिति को वो अपनी स्थिति नहीं बनाता है, परिवर्तन में वो नहीं जाता है, वो अपने वर्तन में ही रहता है, आनंद के भाव में ही रहता है। तो कोई भी परिस्थिति नहीं आती, बल्कि हर परिस्थिति में वो एक ही रहता है। मना एक ही रहना, मना आनंद में रहना। जगत के भौतिक सुख और पदार्थों से आत्म ज्ञान अधिक आनंद देने वाला है। इसीलिए जगत के भौतिक सुख और जो पदार्थ हैं, उसने एक बार पक्का कर लिए हैं, ये सब चेंजेबल है, अभी है अभी नहीं, अभी ऐसा तो अभी ऐसा, तो वो आनंद देने वाले नहीं है। आनंद तो अपने अंदर है, अपने अंदर माना शुरू से आ जाओ तो कर्म के भाव में, मन के भाव में। आनंद तो आत्मा में ही है दीदी, आत्मा का निश्चय हो गया है तो लगता है आत्मा में ही आनंद है, बाकी ये बाहर की पदार्थ जो है वो तो चेंजेबल है, अभी है अभी नहीं है, आज है कल नहीं होगा, तो हम उसके पीछे क्यों भागे, क्योंकि वो नष्ट होने वाली है, टेम्पररी है, तो फिर उसके पीछे क्यों भागे, क्यों भागे? तो ये आत्मा का निश्चय पक्का है तो किसी भी वस्तु में पदार्थ में आसक्ति नहीं है। तो ये ना कर्म ये हो गया, तो कर्म के पीछे भाव, मन की स्थिति, तो इसी में ही आनंद है ना। विचार में सुख है, भगवान की वाणी में आता है, विचार में सुख है विचार में दुख है। विचार कौन सा विचार हमको सुखी करता है, कौन सा दुखी। फिर अगर बाहर मुक्ता में कोई विचार अगर सुखी कर रहा है तो देखो वो सुख भी कितने टाइम, वो भी तो बदलने वाला है, वो भी तो चेंज होने वाला है। ऐसे करते करते फिर वो आत्मा का सुख मन जो सदा ही है, मन सच्ची समझ खुल जाएगी जब, तो फिर इन टके पैसे की बातों में कोई जाएगा खुल नहीं जाएगा। तो भौतिक सुख और पदार्थों से आत्म ज्ञान अधिक आनंद देने वाला है, इसका बाहर की वस्तुओं से गुम हो जाने का भय भी नहीं रहता। ये ज्ञान है अंदर की बात है। मीरा ने बोला ना, चोर न लूटे, आग न इसको जला सके, तो इसको बाहर की बातों से इसका कोई प्रयोजन है ही नहीं, ये सदा ही है ही है। शरीर रहे या न रहे, दूसरा कोई मौका आए जाए, हर स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, वो सदा ही है ही है। अपना स्वरूप कौन सा? आनंद का स्वरूप। शरीर रहे या न रहे, कोई मौका मिले या न मिले, खुशी करने का गम करने का मिले या न मिले, वो सदा ही आनंद। तभी बोलते हैं ना, ज्ञानी के घर सदा ही आनंद। तो ज्ञानी माना कौन? जिसकी समझ खुल चुकी है, वो आनंद में है। देखो कृष्ण का जो भाव, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेला, द्वारिका में राजपाट किया, फिर देखो समुद्र में विलीन हो गए, जो भी था पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में गई तो भी वो अपने आनंद में था, बोला ना मेरा कुछ था न है न होगा, इधर की बात है इधर ही छुट्टी। तो ये भाव भगवान हमको पकड़ा रहे हैं, जहां भी रहे आगे निकलते गए, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेले, पर जहां से निकले ऐसी छाप छोड़ के गए कि लोग सब ऐसा ही महसूस करते थे, ऐसा ही फील करते थे, वो हमारे साथ है, हमारे पास है, कृष्ण मेरे साथ है। हाँ, तो भगवान बोला ऐसा, बस ये सब भावों की बात है, कर्म से भाव, तो भाव प्रधान में आ जाओ। गोपियों को भाव में कृष्ण साथ रहते थे ना, इतने भाव में होते थे, भागवत में कितनी कितनी लीलाएं, कितने कितने भाव पड़े भगवान के, नहीं पड़े क्या गोपियों के भाव, कैसे कैसे उनको भाव होता था, बंसी बजा रहा है तो पानी भरने के बहाने भी निकल जाती थी। अभी मथुरा से गोकुल गए हैं, पर मथुरा वासी जाते हैं कि यहाँ मेरा कृष्ण ऐसा करता था ऐसा करता था, भाव में उसके साथ रहती थी, ये सब भावों की बात है ना। तो हर स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है और एक रस है, इसलिए जो आनंद और आराम आत्म ज्ञान द्वारा जीव को प्राप्त होता है वो सदैव स्थिर रहता है। इसलिए ये जो ज्ञान आनंद वाला ज्ञान है, ये ही स्थिरता में लाता है हमेशा।
परिवर्तन में वो नहीं अटकता है ना, वो है ना, परिवर्तन में तू क्यों रोता है, नहीं तो भगवान ने बोला ये परिवर्तन में अभी नहीं रो, इसको समझो। ऐसे आनंद के मिलने से बाकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जब इस आनंद का भाव हुआ, जिस जो इस आनंद में बैठा है उसकी बाकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तो ये स्वतः पूर्ण हो जाती है माना, जिसने माया का चिंतन किया है उसमें अटका है तो माया बोलेगी चल अटक के बैठ मैं आती हूँ, और जो माया छोड़ के बैठा है तो माया को हलचल होती है कि कैसे मैं इसके पास जाऊं, कैसे मैं इसके पास जाऊं। तो बात तो वही है, जिसने उसको छोड़ा है माया उसके पीछे, जिसने सुखों का भाव छोड़ा है तो सुख उसके पीछे है कि कैसे मैं इसके पास जाऊं, और जो सुखों को पकड़ने की करता है तो सुख बोलता है मैं क्यों जाऊं उसके पास। तो ये स्थिति है और ये टोटल स्थिति है। तो यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं कि मिलने से बाकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, तो कैसे पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जरत का जिसके हिस्से में जो भाव है वो तो पहले से ही बना हुआ है ना, पर हम खपे खपे करके अपने आप को खपाते जाते हैं। वो अपने निश्चय में है कि जरत का भगवान ने दिया है, ठीक है जो भोग में होगा वो खुद ही आएगा, कहाँ जाएगा। तभी भगवान बोलते हैं तू भी निश्चय कर कि मेरे हिस्से का आधा गिलास पानी भी कोई नहीं पी सकता, तो इस निश्चय में रहोगे तो देखो कैसे घूम फिर के वो सब बातें आती है ना। तभी तो सतगुरु भगवान बोलते थे सारे घर मेरे, सबकी कार मेरी, तो मेरी माना क्या, सुख के लिए ना। ऐसे भी अगर मैं मेरी एक दो को मानू तो वो करती क्या है, करती क्या है, पड़ी तो घर के बाहर ही है ना, समय है तो सुख देती है, तो जब उसने छोड़ा तो उसकी क्या एक दो क्या सबकी उसकी है ना, उसमें क्या बात है। तो ये निश्चय की बात है। कोई भी वस्तु दिखती जरूर है पर उसकी तृष्णा नहीं रहती, उसमें कोई भी वस्तु पदार्थ दिखता जरूर है पर तृष्णा नहीं रहती, माना खपे खपे में अपने आप को खपाता नहीं है। आत्म ज्ञान न होने से अज्ञानी की इच्छा व तृष्णा तृप्त होने के बजाय और चाहिए अर्थात बढ़ती है। आत्मा के ज्ञान न होने के कारण ये तृष्णा बढ़ती जाए, ये आज ये है तो ये चाहिए, ये है तो ये चाहिए, और चाहिए और चाहिए में बस वो खपते ही जाता है बस, अर्थात बढ़ती है। जैसे जैसे दुनिया के पदार्थ अर्थात धन संतान और पद बढ़ते हैं वैसे वैसे तृष्णा भी अधिक बढ़ती है। फिर सच्ची समझ नहीं है, तो जैसे जैसे दुनिया के पदार्थ अर्थात धन संतान पद ये सब बढ़ते हैं तो फिर उसी में अटक जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृष्णा बढ़ती जाए आयु घटती जाए, फिर चाहिए चाहिए में उसको पता नहीं है कि हमको सच में क्या चाहिए, सच में क्या चाहिए। अब देखो कर्म भक्ति में माई करेगी सत्यनारायण की पूजा, अभी कर्म के भाव में अटकी है तो चाहिए सत्यनारायण की पूजा करना है, बोलेगी केले का पत्ता चाहिए, चूरी का प्रसाद चाहिए, सब चाहिए, पंडित चाहिए कथा बोलने के लिए, चार लोग चाहिए सुनने के लिए, फिर वो चाहिए चाहिए में इतना अटक जाती है कि वो भाव में बैठ ही नहीं पाती है, क्योंकि उसका मन चाहिए चाहिए में है, अभी ये नहीं तो ये चाहिए। अब टके कि कर्म भक्ति में भी हमको इतना चाहिए, पर उस चाहिए चाहिए में जो भाव की बात है वो भूल जाते हैं। फिर भगवान ने बोला भाव की बात को प्रधानता रख, फिर आजा कर्म में। तो भाव है ठीक है, जो आया ठीक है, मैंने तो सबको इनवाइट किया, मेरी तो ये बात है ठीक है, फिर ठीक है मैं वो आनंद में बैठी है ना, पर उसमें चाहिए 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 तो कर्म में अटकी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, संसार में क्या नहीं चाहिए। फिर कभी पूछो कितना जरूरी, जरूरी है एक तो परमात्मा ने नहीं दिया है क्या, ऐसे करके अपने आप से पूछो। तो ये है अंदर की स्थिति रिलैक्स का भाव, फिर आ जाओ बाहर मुक्ता में, ठीक है
संसार की जो भी बात है, तन मन को भी व्यस्त रखना है, ठीक है। तो यही तो ज्ञान है, अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति। जैसे दुनिया के पदार्थ, दीदी भगवान तभी बोलते हैं अपने से भी बैठो, अपने से बैठो, हाँ, टोटल अपने से बैठ के मन से भी सवाल जवाब करो मन से। अभी अपने से बैठेगा तो, हाँ अपने से बैठोगे तो तुमको अपना पता पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, अभी तक कहाँ मैं हूँ, हाँ, क्या कर वही रही भगवान हूँ। अभी बहुत सुने हो, बहुत समझे हो गुरु से, इतनी अभी मेहनत है टोटल अपनी अपने से, हाँ अपनी से मेहनत करो, अपनी कृपा अपने ऊपर करो। अभी गुरु से क्या नहीं मिला है बताओ तो सही। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया, इतना खजाना हाँ भर के दिया है, तो हम अपने से मेहनत नहीं करते, खाली गुरु से लेने की करते हैं। भाई गुरु ये भी मेरे को बताए, ये भी जब सब बता दिया है, सब समझा दिया है, फिर भी हमको और चाहिए और चाहिए। ये ठीक है, खजाना तो चाहिए, हाँ ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, जितना भी सुना हाँ है और भी चाहिए लगता है, लेकिन दुनिया हाँ की जो पदार्थ है टेम्पररी, उसके पीछे हम क्यों भागे। अभी हाँ इतने ज्ञान सुनने के बाद भी हम पदार्थों के पीछे मरेंगे, अटैचमेंट होएगी तो क्या फायदा उसे, ज्ञान सुनने से हाँ मतलब क्या। तो अपने को हाँ चेंज करते जाएं ना हर बात में, और समय से हाँ चले, समय के हिसाब से चले, क्योंकि समय तो हाँ चेंज होता रहता है, समय के हाँ साथ जान चले। जैसे आपने सही बताया ना भाई, कैदी जो है कैद में गहरी नींद में है, तो उसको पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। और जैसे हाँ राजा को अपना धन माल जो भी है राजा ही, तो उसका भी उसको पता नहीं, गहरी नींद में सोया है। ऐसे हमको भी अपने गहरी नींद में निश्चिंत होके सोना है, बस भगवान हाँ बैठा है, सब कुछ वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, हम हाँ चिंता क्यों करें। हाँ अपने को खाली करें और सबेरे उठे तो ऐसे समझे भाई गुरु के मुख से मेरा नया जन्म हुआ है, हाँ रोज नया जन्म बोलो, मेरा अपना और और गुरु बेखबरी के में मुख रहे से। हर बात में, बेखबरी हर बात में बेखबरी, हाँ खबर में पर ही खबर दुख है मिलती ना, है खबर तो, में ही दुख है, बेखबरी में आनंद ही आनंद है। हाँ फिर खबर रहते हुए बेखबरी में आना भी हिम्मत का काम है, हाँ वो भी हिम्मत का काम है ना। मेरे को मुझे खबर है पता, पर मैं उसके बाद बेखबर कब होऊंगा, ऐसा होता है, कोई नई बात थोड़ी है। उस दिन जैसे चला था सतगुरु की वाणी में कि मेरे को कोई लेटर आता था, पहले तो लगता था हाँ, फिर दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा ठीक है ऐसा होता है, तीसरी बार पढ़ा तो और निश्चय में आया, तो ऐसे करते करते आखिर एक टाइम निश्चय में भगवान बोला तू भी आ जाना। तो पहले पहले सब बातें लगती हैं खबर की, पर वो खबर खबर भी क्या सच है जो सदा ही है, ये सब तो होती रहती हैं बातें, सब थोड़े बने पड़े हैं, तो फिर धीरे धीरे निश्चय होते जाता है ना। जैसे दुनिया के पदार्थ अर्थात धन संतान और पद बढ़ते हैं, वैसे वैसे तृष्णा भी अधिक बढ़ती है। जैसे आग में तेल डालने से आग ज्यादा भड़कती है, आग में तेल डालोगे तो आग ज्यादा भड़कती है। इन क्षणभंगुर पदार्थों से मोक्ष और आनंद की उम्मीद रखना केवल मूर्खता है। ये जो क्षणभंगुर है अभी नहीं, अभी ऐसे हैं तो अभी रूप बदल। तो भगवान ने बोला इन पदार्थों से मोक्ष और आनंद इसकी उम्मीद रखना कि ये मेरे को मोक्ष देंगे, यहां से आनंद मिलेगा, ये केवल मूर्खता है। जो उम्मीद रखता है आनंद की बात करता है वो मूर्खता की बात है। इसीलिए महापुरुषों ने जगत के प्रपंच को इंद्रधनुष की तरह अस्थिर माना। इसलिए महापुरुषों ने, जिन्होंने इस बात की पढ़ाई की है, महान पुरुष, महापुरुष है पुरुष, पर उन्होंने सच की पढ़ाई करके महानता प्राप्त की है, माना इस पर विजय प्राप्त की है, इसको जानने वाले बने हैं, वो है महापुरुष।
तो इसलिए महापुरुषों ने जगत के प्रपंच को, ये सारा जगत क्या है, प्रपंच को इंद्रधनुष की तरह अस्थिर माना। इंद्रधनुष के सात रंग जब निकलता है तो कितना प्यारा, फिर वो रंग भी कितने टाइम देखो रहते हैं, वो रंग भी कितने टाइम, धीरे धीरे जैसे धूप आती है वैसे वैसे वो नहीं रहते हैं उस रूप में। तो भगवान ने बोला कि इन महापुरुषों ने जगत के प्रपंच को इंद्रधनुष की तरह अस्थिर माना और दिल की दृष्टि को उससे साफ करके आत्मज्ञान रूपी सूरत दिखाई है। फिर दिल की दृष्टि को साफ करके इन रंगों में ही आत्मज्ञान की सूरत दिखाई है, सब में अपना आप, सदाई जो बदलने वाले में न बदलने वाला, जो सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, डिठो सब विसार अड़ डिठो याद कर। तो वो देखा हुआ सब भूलते हैं, पर उसके अंदर शक्ति किसकी, पावर किसका, जो नहीं दिख रहा है उसको याद करते हैं। तो इसलिए उचित है जिसको परमात्मा को पाने की बहुत प्यास हो, वह इन पदार्थों के स्थिर रहने या न रहने को दिल की तराजू में पूरी तरह तोले। इसलिए भगवान ने बोला कि जिसको भी परमात्मा की प्यास है, परमात्मा की प्यास माना आनंद का भाव है, अगर जिसको भी आनंद चाहिए ये उसकी बात है, जिसको भी मोक्ष चाहिए जीते जी, कबीर ने बोला ना, जीते जी जो मर गया फिर उसकी मुक्ति होए। तो जीते जी मरना माना क्या, जीते जी मरना मुक्ति मोक्ष, तो मोक्ष क्या है फिर समझो। तो वही भगवान ने बोला कि आत्मज्ञान रूपी सूरत दिखाई दे, इसलिए उचित है जिसको परमात्मा को पाने की बहुत प्यास हो, वह इन पदार्थों के स्थिर रहने या न रहने को दिल की तराजू में पूरी तरह तोले। पूरी तरह तोल के फिर वो बात करता है, समझ के सोधे फिर इसके मोह और बंधन से अपने दिल को वश में करे। समझ के सोधे, सोधना तोलना, भगवान बोलते ना तोल मोल के बोल, टीवी में भी एक प्रोग्राम आता था, कोई ना कोई वस्तु पदार्थ रख देते थे और बोलते थे इसका मोल बताओ, तो सब अपने हिसाब से उसकी तुलना करते थे, ये इतने का होएगा ये इतने का होएगा, फिर जो उसकी रेट का हिसाब होता था, जिसका सिमिलर होता था या परफेक्ट होता था, जो सामने वाला सोचता है उसके हिसाब से, तो उसको प्राइज मिलता था, तो ये मोल, तो वो तोल मोल के बोलते थे। तो आज भगवान ने वही बोला है कि जो तोल मोल के बात करते हैं, तोल मोल के अर्भाव से बढ़ते हैं, इनाम उसी को मिलेगा ना आनंद का, दूसरे को थोड़ी मिलेगा। फिर वो तोल मोलने में कितना उनका देखो जजमेंट चलता था, नहीं इतने की नहीं इतने की नहीं, फलाने टाइम मैंने ऐसा लिया था तो वो इतने का था, आज समय के हिसाब से ये सस्ता हुआ है ये महंगा हुआ है, तो वो टके के वस्तु पदार्थ में भी इतना मन बुद्धि चलाते थे ना। तो ये जो हमको हमेशा का आनंद गुरु दे रहा है, तो इसमें क्यों नहीं अपना मन बुद्धि मनन चिंतन लगाएं, क्यों नहीं लगाते हैं, पूछो अपने आप से। इन पदार्थों के जता सजाया उतने बजाया है, बजते हैं दीदी, अभी सजाया भी है बजाया भी है, सजे और बजे बजे बजे। हाँ सजे बजे, वह इन पदार्थों के स्थिर रहने या न रहने को दिल की तराजू में पूरी तरह तोले, समझ के सोधे, समझ के उसकी जो भी बात करे सोधे, फिर इसके मोर बंधन से अपने दिल को में वश में करें और अपने मन को इन नाशवंत वस्तुओं में से निकाल कर आत्म ज्ञान की तरफ लगाता है। जो सोंधता है उसकी कीमत समझता है, फिर देखता है टके की बात के लिए
हाँ, भगवान ने हमको इतना ऊंचा मन बुद्धि इतना ऊंचा शरीर दिया है तो किसके लिए, इसके लिए इसमें गवाऊं, तो ऐसे करके वो सोंधता है। इतना सोना हमको मानुष देह मिला है किसके लिए, इसके लिए। तो ऐसे करते करते वो नाशवंत वस्तुओं से निकलकर फिर आत्म ज्ञान की तरफ जो लगाता है वह प्रेम समझ दर्द वह साधना से सत्य को पहचान कर, फिर वो प्रेम से समझ कर, ये स्थितियां हैं ऊपर उठने की। एक है प्रेम का भाव, तो जब प्रेम है तो ऐसे भी बोलते हैं ना, प्रेम में सब विकार, प्रेम में सब विकार, कोई दिखता नहीं है किसी का, किसी के साथ प्रेम है तो, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां टके की बात। अरे वो अपने स्वभाव से चल रहा है, संस्कार प्रेम में कोई ला नहीं होता है, प्रेम में कोई ला नहीं होता है दीदी, वही बात है ना, प्रेम में कोई ला नहीं है, पर जहाँ प्रेम नहीं है वहां उसका उसका अपना एक्शन है, उसकी अपनी बात है, तो भी माई खटखट करेगी, ऐसा करता है ऐसा, अरे करता है अपने स्वभाव से करता है ना, अपने संस्कार से करता है ना, तू क्यों उसमें जाती है। तो भगवान ने वही बोला कि वह प्रेम समझ, समझ है ना, गुरु की समझ है कि संसार की समझ है, तो समझ दर्द। अभी भगवान बोलते हैं दर्द तो उठे, कभी तो तेरे को दर्द हो कि इतना समय मैंने क्यों ऐसा बिताया। तो दर्द से भी देखो ज्ञान गुरु की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो दर्द हो है ना, बोलते ना दर्द दिल में तू जगा, सच की राह पाने को, सच की राह पाने साथ, को हाँ, साथ देके तुझको निराकार, जे श्रद्धा है अपार, बेरा पार तभी होगा तेरा बेरा पार। हाँ, तो भगवान बोलते हैं दर्द कभी तो जगाओ ना अंदर में, कि अभी तक इतना समय किया क्या है। दर्द रखो ना, कभी सामने भी एक्शन उसके प्रति भी दर्द रखो, देखो माया की ऐसी बातें, देखो देखो, तो भगवान इनको भी छुड़ाओ, अपनी भी करो, सामने वाले के लिए भी प्रेयर करो, भगवान इनकी इतनी अटक है, भगवान इनको भी सच्ची समझ दो। तो ये दर्द है ना, तो दर्द व साधना से सत्य को पहचान कर तृप्ति व आनंद को प्राप्त होता है। फिर वो सच की साधना से, फिर सत्य को पहचानो कि सत्य क्या, मिथ्या क्या, झूठ क्या। तो फिर वो जब ऐसे पहचान करता है तो वो तृप्ति और आनंद को प्राप्त होता है, वो हर बात को समझता है, चेंजेबल है, बदलने वाली है, इसमें क्या इसमें क्या। हनुमान जी का देखो भक्ति का भाव था, तो भगवान राम से सबको गिफ्ट दिलवाई, भगवान ने सबको दिया, हनुमान को नहीं दिया, भगवान जानने वाले थे ये तो इन सब बातों में अटकने वाले नहीं है। तब माता को हलचल हुई, बोला इनको कुछ दो, बोलो मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो इसको दूं, क्योंकि भगवान तो जान रहे थे हनुमान का भाव, कि इसका इतना निश्चय है, इतना भाव है। तो अभी भगवान बोल रहा था इसको दूं तो क्या दूं, अभी माया माता का वो भाव अभी नहीं था, तो माता ने क्या किया, अपना मोती की माला उतार के दी कि ये लो आप हनुमान को दो। तो क्या किया हनुमान ने, एक एक मोती को तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के फेंकता गया। अभी माता की पहनी हुई मोती की माला जब राम ने हनुमान को पहनाई तो बाकी लोगों को लग रहा था हनुमान के क्या तो भाग्य है, क्या तो ऐसा कर्म, कौन सा ऐसा भाग्य कि माता की उतरी, फिर भगवान ने खुद अपने हाथों से पहनाई। पर हनुमान ने क्या किया, एक एक मोती को दांत से तोड़ तोड़ के फेंकता गया। तब लोग बाहर मुक्ता में जो लोग थे उन्होंने क्या बोला, ये तो बंदर का बंदर ही रहा, इसको क्या पता तो क्या मिला है। भजन आने ये हीरा जवार सब कीमती है, मुझे नायनन सा प्रीति, मुझे मन में आराम, मुझे तन में आराम, मुझे मन में मेरे तन, ये हीरा जवार सब कीमती है, मुझे नायनन सा प्रीति, नको धन कपे दान नको जागीर ये नाम। हाँ, उसको धन वगैरह बाहर का नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया एक एक मोती को तोड़ के, तो लोगों ने बाहर मुक्ता के जो लोग थे उन्होंने तो शब्द दिया, बंदर क्या जाने,
उसको क्या मिला है तो बंदर, तब बोला मैं देख रहा हूँ एक एक को में। तो आता है ना कहानी में, उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया कि देखो इधर बैठा है राम। तो सीना चीरना माना क्या, वो तेरे तन में मन में रोम रोम में उसने राम को रचा है, समाया मेरा राम है, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे रोम रोम में समाया हुआ राम है, ये है ना भजन। हाँ, नाशवंत वस्तुओं से निकलकर आत्मज्ञान की तरफ लगाता है, वह प्रेम समझ दर्द व साधना से सत्य को पहचान कर तृप्ति व आनंद को प्राप्त होता है। इसके बिना जीव को मुक्ति पद पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा सर्वत्र है, आत्मा हमेशा है, स्थिर है। उसको प्राप्त करने के लिए द्वैत का पर्दा हटाना पड़ता है। उसको पाने के लिए उसके आगे इतने जो राग द्वेष के पर्दे हैं उसको हटाना पड़ता है। इसके लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी एक तरफ बहुत कठिन है और एक तरफ सरल है। कठिन कब तक है? एक बार समझ तक। जहां वो बात समझ में आ गई तो फिर सरल हो गई। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए द्वैत का पर्दा हटाना पड़ता है। इसके लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि अन्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, अन्य पदार्थ जैसे औलाद धन इत्यादि, सख्त प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। औलाद हो, धन हो, वस्तु पदार्थ सुख, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। पर आत्मा का ज्ञान, भगवान बोलते हैं ज्ञान कठिन नहीं है। इधर तोड़ो इधर जोड़ो बस। जो आपका बाहर मुक्ता में भाव है, मन है, उसको अंतर्मुक्ता में ले आओ तो ज्ञान कठिन नहीं है। इधर से तोड़ो और इधर जोड़ो। जो आपका बाहर में दिखता है फलाना टीरा ऐसा करती है ऐसा करती है, बोलो फलाना टीरा तो बना ही नहीं है ये, उसकी जो भी करता है उसकी शक्ति है, उसका पावर है बस। तो भगवान ने बोला ये समझ की बात है, एक बार समझ गया तो फिर निश्चय है। तो ज्ञान ऐसे कठिन है पर एक बार समझ खुलने के बाद कठिन नहीं है। संसार की भी विद्या पहले तो कठिन लगती है, जहां वो एक बार समझ खुल गई वहां देखो। पहले तो देखो बच्चों को भी 1+1 2 सिखाते हैं, 2+2। अभी कल हम गए कहीं तो बिटिया थी बेटा था तो आपस में क्या बात करें, तो 5+5 कितना 10, 10+10 ऐसे करके हजारों तक वो गिनती बढ़ गई। 5+10, 10+10 20, 20+20, और वो बच्चे की समझ खुल गई है तो अंगुल निशान पर ऐसे ऐसे बता रहा था। तो एक बार समझ खुली ना, कभी तो देखो उसके लिए खिलौने जोड़ने पड़ते थे, ये एक खिलौना ये एक खिलौना, फिर कितने हुए इसका घटा तो कितना। कल देख रहे थे समझ खुली है तो हजारों तक वो अपनी अंगुलियों पे कर रहा था, ये इसको इधर रखा इसको इधर रखा इतना हो गया। तो है समझ की बात बस। इससे सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान सब पदार्थों व पदों से श्रेष्ठ है। बाकी सब बातों में प्रयत्न करना पड़ता है। पर आज का जो सवाल था कि ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है, आत्मज्ञान की श्रेष्ठता, सब कुछ होने के बाद भी इसको महत्व क्यों दिया गया है, इसकी श्रेष्ठता क्यों है, तो भगवान ने आखिरी में वही बताया, ये है असल में सरल पर कठिन लगता है। एक बार समझ लो तो फिर सब सरल है। पर समझने के लिए देखो रोज रोज कितनी गुरु से मेहनत लेनी पड़ती है, कितना गुरु को साथ रखना पड़ता है। ठीक है, गुरु भी देखो मेहमान है, साथ दे रहा है। अभी भगवान बोला टोटल बात है अपनी, सबकी अपनी बात है, अपनी मेहर करो।
गुरु की मेहर, निराकार की मेहर, साकार गुरु की मेहर, प्रकृति की भी मेहर है। एक घंटा माई बांधी होके बैठ रही है तो भी शुक्राना है ना, वरना घर प्रकृति में बैठना ये करो वो करो फिर भी शुक्र है प्रकृति का। तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति, अभी मेहर करो अपने ऊपर बस। ठीक है प्यारों, आज अंक 18वां पूरा हुआ। आत्मज्ञान की श्रेष्ठता क्यों, सब कुछ रहते हुए भी अपना शौक होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। अगर अपना शौक है अपना शौक है तो प्रकृति भी साथ देती है। तो जब तक आपका शौक पहले पहले था तो प्रकृति भी कितना आड़े आई थी। हाँ पहले तो आई तो देखो नहीं आई थी, और वो आड़े को जब आपने उसको महत्व महत्व देने में आपने आज ना जो इच्छा पे सारी वाणी चली ना, तो हम गीता पढ़ते थे ना दीदी, तो उसमें बताते थे गीता में मैं पढ़ती थी संग दोष, मतलब तुम कहीं जाते हो तो किसी की बिल्डिंग देखोगे तो संग दोष मतलब दोष लग जाएगा कि अरे मेरे भी पास ऐसी बिल्डिंग होती, मैं भी ऐसी बिल्डिंग में रहता। फिर उस बिल्डिंग में जो रहने वाला कितना सुखी है आपको मालूम थोड़ी है। तुम बोलते हैं भगवान ने फिर एक बार क्लियर किया प्रभु जी ने इस संग दोष की बात पे, प्रभु जी से हमारी से वार्तालाप हुई थी तो प्रभु जी ने बोला कि तुम सुबह सुबह को कोई कार में जाता है तो तुम बोलते हैं अरे देखो कितना मजे से कार में जा रहा है, वो कहीं कोर्ट जा रहा है कचहरी जा रहा है टेंशन में है, वो तुम नहीं जानते। और तुम ना संकल्प विकल्प अंदर शुरू कर देते हैं, तो जो भगवान का भक्त रहता है वो हमेशा ना बस ऐसे अपने में रहता है, निर्विकल्प समाधि मतलब कोई इच्छा नहीं, भगवान तेरा भाणा मीठा लगे। तो ये बात आज क्लियर हुई, गीता का वचन एकदम क्लियर हुआ प्रभु जी से, ऐसी पे बात है संग दोष सही में संग दोष हो जाता है। हाँ हम किसी की चादर देख के बोलेंगे अरे मैं भी कल ऐसी बिछाऊंगी, अरे मैं भी ऐसे करूंगी, तो ये अभी इच्छाएं ना अभी आत्म ज्ञान में आते आते दीदी अभी इच्छाएं नहीं रही है, अभी बस भगवान से बस प्यार बचा है, भगवान तेरे से संग हो, तेरे से प्यार हो, तेरे से जुड़े रहे, तेरी कल्प वृक्ष में निरिच्छा होके रहे बस। हाँ बहुत अच्छा है, संग दोष पे भी अभी चली थी दो दिन पहले संग तारे संग बोड़े संग संग का बहुत असर होता है। हाँ, और कोई वचन बोलेगा लाजमाता, भजन बोलो कोई बोले। मैं बोलू आंटी? चलो बोलो 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 ना प्यारे, कितने बार पूछोगे बोलो। परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, दिलदार को न पाया दुनिया मिली तो क्या हुआ, दिलदार को न पाया दुनिया मिली तो क्या हुआ। गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता, गायक बन के बंदे गीतों को तू है गाता, हरि गुण कभी न गाया गायक हुआ तो क्या हुआ, हरि गुण कभी न गाया गायक हुआ तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, मंदिर में जाके बंदे ईश्वर को ढूंढता है, हृदय जगी न ज्योति मंदिर गया तो क्या हुआ, हृदय जगी न ज्योति मंदिर गया तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया पाया जन्म तो क्या हुआ, गंगा में जाके बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाके बंदे तन की तू मैल धोता, मन की ना मैल धोई गंगा गया तो क्या हुआ, मन की ना मैल धोई
गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगा ना पगले, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। मन को रंगा ना पगले, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कल के खुदा के बंदे तूने बैठ के ना सीए, कल के खुदा के बंदे तूने बैठ के ना सीए। जो टूटे दिल ना जोड़े चर्चा करे तो क्या हुआ। जो टूटे दिल ना जोड़े चर्चा करे तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ये पाप दिल था तेरा ना पाप कर दिया है, ये पाप दिल था तेरा ना पाप कर दिया है। काबे में जाके तूने चर्चा किया तो क्या हुआ। काबे में जाके तूने चर्चा किया तो क्या हुआ। परमात्मा परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कितना भी कुछ पाया परमात्मा मना रिलैक्स को नहीं पाया तो भाई क्या किया, बस आनंद रिलैक्स आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, बाकी सब मिला। गुरु को नहीं पकड़ा बाकी सबको पकड़ा तो क्या। गुरु माना साकार गुरु निराकार रूपी गुरु। की बात नहीं भगवान बोलते हैं पर गुरु की बात को पकड़ो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता गुरु सखा लक्ष्मी नारायण वासुदेव। पिता गुरु सखा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिव हरिओम तो हरिओम हरिओम आंटी हाँ ये अच्छा लगा दीदी। समय सब बदलता है, ये जो समझता है वो है आत्मज्ञानी। मतलब जो आती है परिस्थिति उसमें एडजस्ट हो जाता है और वो समझता है, वो आत्मज्ञानी है। वो आत्मज्ञानी आत्मज्ञान का चेंज होना समझ खोलना यही आत्मज्ञान है और कुछ नहीं। हाँ हर स्थिति में पॉजिटिव देखना, भगवान का आशीर्वाद समझना, वही। और ये भी अच्छा लगा, शरीर रहे ना रहे, मौका मिले ना मिले, वो जो सदा ही आनंद में रहता है, ये भी बहुत अच्छा लगा दीदी ना। वो है आत्मज्ञानी। हाँ परिवर्तन समय का नियम है दीदी। हाँ परिवर्तन समय का नहीं, जो उसको जान लिया समझ लिया, हाँ स्थिरता में आ गया तो डोलेमन नहीं होगा।
सुबह है तो रात भी होगी, रात है तो सुबह भी आएगी। हाँ सही बात, नियम है तो ज्यादा नियम ही बनाए जैसे बनाए, इसमें जो एक खुश बार रहता नियमों है को समझो और हाँ, ज्ञान है। इसको जो स्वीकार करता है वही खुश ठीक रहता है, है, स्वीकार तभी भगवान बोलते हैं स्वीकार भाव में आ जाना, भगवान हाँ वही खुश रहता है दीदी। तो एक तो स्वीकार भाव, स्वीकार भी क्या है एक भाव है ना, तो स्वीकार भाव में हो गया जो भी स्थिति है एक्सेप्ट स्वीकार। चलो ठीक है, हेलो हरिओम, चलो बाय हरिओम आंटी, हरिओम हरिओम दीदी।